हेलो, अब हम लोग क्लास 11th का पेपर 2 देखेंगे जो 15 सितंबर को हुआ था, फिजिक्स का एफटीआरई। ठीक है, यहाँ पे ये जेई एडवांस पे बेस्ड था। यहाँ पे आप देख लीजिए टाइम कितना है, 135 मिनट्स का टाइम दिया गया है और ये मैक्सिमम मार्क्स इसमें दे रखे हैं 201 मार्क्स का ये पेपर था। ठीक है, क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए। अब इस पेपर 2 में देख लेते हैं। आपकी बार केवल 2 ही पेपर हुए थे, 4 पेपर नहीं हुए थे, 2 ही पेपर में आया था। अब इसको भी 2 सेक्शंस में इन्होंने डिवाइड करा है, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। सेक्शन 1 में जेई एडवांस पे बेस्ड है और ये 60 मिनट्स का यहाँ पे टाइम दिया गया है। यहाँ पे हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन हैं, IQ के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 30 तक। सही करेंगे तो +3 मार्क्स है, अगर आप गलत करते हैं तो -1 मार्किंग है। सेम एज इट इज़ सेक्शन 2 में ये भी जेई एडवांस इन्होंने दे रखा है और इसमें 75 मिनट्स का टाइम दिया गया है। तो टोटल 60 मिनट्स प्लस 75 मिनट्स का, यानी कि 135 मिनट्स का आपको टाइम दिया गया है। सेक्शन 2 को फिर से इन्होंने 3 पार्ट्स में ब्रेक करा है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर क्वेश्चन नंबर 60 तक गए हैं। अच्छा, जो पहला पार्ट है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, इसमें +3 है और गलत करने पे -1 है। लेकिन जो दूसरा पार्ट है यहाँ पे मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट हैं, इसलिए यहाँ पे सही करेंगे तो +4 मिलेगा और गलत करेंगे तो -2 मार्किंग यहाँ पे मिलेगी। मोर देन वन ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होंगे। और जो थर्ड पार्ट आपका सही करेंगे तो +4 मार्किंग है और गलत करेंगे तो -1 की मार्किंग है। ठीक है, तो चलिए पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं। 60 मिनट्स का था और इसके अंदर ये IQ बेस्ड क्वेश्चन थे। तो यहाँ पे पहला पार्ट आ जाता है, 60 मिनट्स का टाइम है। फर्स्ट पार्ट ये हमारा है हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 18 तक दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग ने देख लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव, ये भी एक सीरीज पे बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखा, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, ऑलमोस्ट वैसी है जैसे हम लोग ने पहले के पेपर डिस्कस करे थे। ठीक है, क्वेश्चंस के लेवल भी अच्छे हैं, 5, 6, ठीक है, 6 क्वेश्चन हो गए। अब इधर देखते हैं और क्या क्या आया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 7। ठीक है, सर्टेन कोड लैंग्वेज यानी कि कोड पे भी बेस्ड कुछ क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन 8 पे देखते हैं, ये भी आपका कोड एबिलिटी है। 9, फिर 10 आपका वेन डायग्राम पे है। क्वेश्चन नंबर 11, फिर 12, 13, 14, ठीक है, यहाँ तक हो गए हमारे क्वेश्चन नंबर 14 हो गए। फिर अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 हमें दिया गया है, 15, 16, 17 और 18। 18 क्वेश्चंस हमको इस तरीके से दिए गए हैं आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस में से। फिर उसके बाद अब हमारे जो IQ बेस्ड क्वेश्चन है ये कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड हैं। ठीक है, तो कॉम्प्रीहेंशन में 19 to 21 एक कॉम्प्रीहेंशन दिया गया है और 19 to 21 हमें इस कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व करके फाइंड करना है। सेम एज इट इज़ फिर कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन नंबर 22 to 24 दिया गया है। ठीक है, 22 to 24 हमको दिया गया है यहाँ पे। फिर एक कॉम्प्रीहेंशन दिया गया और ये 22, 23 and 24 क्वेश्चन सॉल्व करा गया। फिर तीसरा कॉम्प्रीहेंशन भी दिया गया है, यहाँ पे 25, 26 and 27 क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन इस पर भी हैं और एक 4 कॉम्प्रीहेंशन यानी कि दिए गए हैं। चौथा कॉम्प्रीहेंशन इसमें भी 28, 29 और क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है। ठीक है, तो आपने कॉम्प्रीहेंशन देख लिए होंगे। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेक्शन 2, टाइम 75 मिनट्स। ठीक है, चलिए, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमको दे रखा है यहाँ पे। अच्छा, अब इसके अंदर यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे कि जो फ्रिक्शन है वो ज़ीरो है, फ्रिक्शन ज़ीरो है, इसको देखते हुए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पार्ट ए हमारा फिजिक्स है, क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, 32 प्रोजेक्टेड मतलब प्रोजेक्टाइल पे बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी आपका एक फोर्स पे है। क्वेश्चन नंबर 33, 3 क्वेश्चन हो गए फिजिक्स के, तो 3 केमिस्ट्री के भी होंगे, 3 केमिस्ट्री के हैं। ठीक है, रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल दिया गया है, बोर्स मॉडल, और फिर यहाँ पे भी आपको परसेंटेज निकालनी है। ठीक है, 35 क्वेश्चन नंबर 36 द
W1 ग्राम बोराक्स दे रखा है। अच्छा, यहाँ पे भी आपको वही वेट निकलवाना है, वेट फाइंड कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 37, ये आपका पहला ही एक्सरसाइज पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। इंटरसेक्शन यूनियन पे बेस्ड है। द वैल्यू ऑफ कॉट 7:1/2 डिग्री की वैल्यू, ठीक है। तो ये भी ट्रिग्नोमेट्री पे ही है। टू पॉइंट्स गिवेन है, यहाँ पे भी आपका पॉइंट पे है। फिजिक्स पार्ट डी में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 और 41। अब यहाँ पे क्या है, मोर देन वन और मोर देन वन, यानी कि यहाँ पे एक से ज़्यादा ऑप्शन भी सही हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, -2 की मार्किंग नेगेटिव है और सही करेंगे तो +4 है। तो ये 40 और 41 को थोड़ा ध्यान से देख के सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। फिर अब अगला देखते हैं, सेम एज इट इज़, यहाँ पे भी वही होगा, यहाँ पे भी वही है, मोर और मोर देन वन, ठीक है। सही करेंगे तो +4, गलत कर देंगे तो -2 तो मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, और +4 भी पार्शियल मार्किंग में मिलेगा, जितने आप सही करते आएंगे उतने पे होगा, ठीक है। 42, 43 देख लिया। फिर हमने मैथमेटिक्स में देखा 44 एंड 45, यहाँ पे भी क्या है, वन और मोर देन वन ऑप्शंस आर करेक्ट, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे भी 2 या 3 ऑप्शन यहाँ पे सही हो सकते हैं। फिजिक्स अब आ जाते हैं यहाँ पे, जब अब हम लोग लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ जा रहे हैं, तो यहाँ पे अभी कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो 46 to 48 फिर आपको एक कॉम्प्रीहेंशन दिया गया है, इसको आप पढ़ेंगे और 46 to 48 यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 क्वेश्चन हमारे फिजिक्स पे दिए गए हैं, 46, 47 एंड 48, क्लियर है। फिर आपको एक दूसरा एक और कॉम्प्रीहेंशन दिया गया है 49 to 50, यानी कि 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, फिर एक कॉम्प्रीहेंशन मिला है फिजिक्स में ही, और इस पे 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, यानी कि टोटल 5 क्वेश्चन आपको करने हैं कॉम्प्रीहेंशन से। तो व्हेन ए पार्टिकल यहाँ पे प्रोजेक्ट करा गया है और 2 क्वेश्चन 49 और 50 दिए गए हैं, ठीक है। फिर अगले पे आते हैं, केमिस्ट्री में भी आपको एक कॉम्प्रीहेंशन दे दिया गया है, ठीक है, और यहाँ पे 51 से लेके 53 तक इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इस कॉम्प्रीहेंशन को देख के, ठीक है। तो आप लोगों ने देख लिया होगा ये कॉम्प्रीहेंशन 51, 52 एंड 53, सेम एज इट इज़ एक और कॉम्प्रीहेंशन केमिस्ट्री में दिया गया है, और इसमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, और ये भी आपको केमिस्ट्री के अंदर इस तरह 5 क्वेश्चन हो जाएंगे कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड, देख लिया आप लोगों ने, ये हो गया इस पे 54 एंड 55, ठीक। इन क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। अब हमारे लास्ट 5 क्वेश्चन बचे हैं, यानी कि मैथ्स में भी इसी तरह हमारे कॉम्प्रीहेंशन होंगे, 2 कॉम्प्रीहेंशन होंगे, यानी कि 3 एक में होंगे और 2 एक में, ठीक है। तो फिर यहाँ पे भी मैथ्स का भी एक कॉम्प्रीहेंशन दिया गया है, और उस पर बेस्ड ये हमको 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 56, 57 और 58, क्लियर है। केवल एक ही ऑप्शन यहाँ पे सही है। लास्ट 2 क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, 59 एंड 60। तो यहाँ पे भी हमको एक कॉम्प्रीहेंशन दिया गया है, और कॉम्प्रीहेंशन देख के हमको 59 और 60 का आंसर पता करना है, ठीक है। तो आई थिंक सो आप लोगों ने देख लिया होगा पेपर का लेवल अच्छा है, ठीक है, हमेशा की तरह इनका पेपर का लेवल अपने आप में बेस्ट है। तो आप लोग इसको देख के सॉल्व कर सकते हैं।